डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। यौन शोषण वाले मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छात्रा पर चिन्मयानंद से फिरौती मांगने का लगा आरोप। कोर्ट ने छात्रा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का किरायेदार को लेकर एक बड़ा ऐलान, अब किरायेदारों को बिजली के बिल में मिलेगी सब्सिडी। पहचान पत्र और रेंट एग्रीमेंट दिखाकर किरायेदार ले सकते हैं कनेक्शन। इस योजना का लाभ लेने के लिए किरायेदारों को मकान मालिक से नहीं लेनी होगी मंजूरी। योजना से मकान मालिकों को नहीं होगी कोई भी नुकसान। योजना का लाभ लेने के लिए किरायेदारों को शुरुआत में देने होंगे 6,000 रुपए, जिसके बाद उठा सकते हैं सब्सिडी योजना का फायदा। ट्रंप से मुलाकात के बाद कश्मीर मुद्दे को लेकर अब इमरान खान दे रहे हैं सफाई, कहा मैंने कश्मीर मुद्दे को लेकर नहीं मांगी भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम दाव चलने की कोशिश, कहा भारत पर नहीं कर सकते हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए दिया गया है यह अवार्ड। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वच्छता के महत्व को लेकर की चर्चा, कहा भारत ने स्वच्छता को लेकर नया कीर्तिमान किया स्थापित। WHO के मानकों को पूरा करते हुए देश को लगभग 100% खुले में शौच मुक्त बनाया। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने माना है कि राम चबूतरा स्थल में हुआ था राम का जन्म। बोर्ड की ओर से एडवोकेट जफरबाद जलाली कर रहे थे पैद। जस्टिस AS बोबड़े ने जलाली से पूछा था कि आपको चबूतरे को जन्म स्थान मानने पर कोई आपत्ति तो नहीं है, जिस पर जलाली ने अपना जवाब पेश किया है। वायुसेना का प्रशिक्षण विमान में किस हुआ क्रैश, हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। विमान ने ग्वालियर एयरबेस स्टेशन से भरी थी उड़ान। हादसे के बाद विमान में लगी आग की सूचना मिलने पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर और जवान भी पहुंचे मौके पर। खिलाड़ी कुमार बॉलीवुड में लेने वाले हैं एक बार फिर धमाकेदार एंट्री, फरवरी में शुरू होगा बच्चन पांडे की शूटिंग। फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट हो चुकी है तैयार, फिलहाल फिल्म के रिप्रोडक्शन की चल रही तैयारी। अक्षय के करियर की मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म बताई जा रही है बच्चन पांडे। बॉलीवुड के संस्था के नाम से मशहूर महानायक अमिताभ बच्चन को मिलने वाला है बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार। बॉलीवुड में उनके योगदान और सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए दिया जा रहा उनको यह पुरस्कार। अमिताभ बच्चन को मिलने वाले इस उपलब्धि को लेकर बॉलीवुड के कई सितारों ने की अपनी खुशी जाहिर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत रत्न लता मंगेशकर, रजनीकांत, करण जौहर और मधुर भंडारकर ने अमिताभ बच्चन को दी बधाई। सोशल मीडिया के फेसबुक साइट पर सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी। सोपू नामक ग्रुप पर पोस्ट किए गए हिंदी में लिखे संदेश में सलमान खान को चेतावनी दी गई है कि वह भारतीय कानून से तो बच सकते हैं लेकिन विश्रोही समुदाय के कानून से नहीं। धमकी देने वाले की जांच में जुटी पुलिस। हिमेश शर्मा के साथ गाए गाने तेरी मेरी कहानी से मशहूर रानू मंडल पर बनने वाली है बायोपिक। रानू की जिंदगी से इंस्पायर फिल्म मेकर ऋषिकेश मंडल उनके जीवन पर बायोपिक फिल्म बनाने की कर रहे हैं तैयारी। बायोपिक फिल्म के लिए साउथ की जानी मानी हीरोइन सुदीप्ता चक्रवर्ती को किया गया है अप्रोच। सुदीप्ता ने कहा मुझे अभी फिल्म ऑफर हुई है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद तय करूंगी फिल्म करनी है या नहीं। चोट लगने की वजह से भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। बुमराह की जगह टीम में उमेश यादव को मिली जगह। विश्व कप के बाद जसप्रीत बुमराह ने अभी तक महज 2 टेस्ट मैच ही खेले हैं। T20 खेलने वाली देश की सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनी शेफाली वर्मा। मिताली ने इस साल T20 से संन्यास लिया, जिसके बाद 15 साल की शेफाली वर्मा ने 36 साल की मिताली राज के लिए जगह। NCB सुप्रीमो शरद पवार पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा, दर्ज किया FIR। FIR दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र में राजनीति हुई गर्म, NCB कार्यकर्ताओं ने बारामती बंद करने का दिया ऐलान। बैंक घोटाले में शरद पवार पर केस दर्ज होने पर तमतमाई NCB, ED ऑफिस के बाहर कर रहे विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फादर ऑफ गॉड कहे जाने को लेकर एक बार फिर गरमाई सियासत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर विपक्ष ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी PL पुनिया ने कहा ट्रंप का यह बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। एक बार फिर 26/11 से आतंकी हमले के फिराक में है खालिस्तान, चिट्ठी के माध्यम से दी धमकी। 30 बड़े शहरों सहित 4 एयरपोर्ट के अलावा कुछ नए एयरबेस को भी बनाया जा सकता है निशाना। 370 हटने के बाद बदला इनके फिराक में है जैश, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन को आतंकी संगठन ने भेजी चिट्ठी। पंजाब पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, ड्रोन की मदद से पाकिस्तान भारत भेज रहा था हथियारों का जखीरा। पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से 800 ज्यादा बार भेजे जा चुके हैं हथियार, पंजाब के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने की इस बात की पुष्टि।
जम्मू कश्मीर में हथियार को उतारने की फिराक में थे आतंकी, सिग्नल नहीं मिलने पर अमृतसर में उतारा गया हथियार। राजधानी में हो रही लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में हुआ जल भराव। पंडरीगढ़ी चौक जलस्तर में भरा पानी, रोड में तैर रही गाड़ियां। लोधीपाला चौक में भी भरा पानी, जलमग्न हुआ रोड। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इमरान खान को लेकर किया ट्वीट, कहा इमरान खान की क्या हैसियत है जो हमारे देश के आतंकवादी मामलों में बोले। इमरान खान को लताड़ते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि हम हमारे पीएम की नीतियों से सहमत या असहमत होंगे, देश के बाहर प्रधानमंत्री का प्रत्येक कदम देश का कदम है। हनी ट्रैप मामले में बीजेपी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिया बड़ा बयान, कहा 15 सालों में बीजेपी ने शराब और शबाब पर दिया है ध्यान। मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी की वजह से छत्तीसगढ़ की हो रही बदनामी। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर रायपुर में एनएसएस के छात्रों ने लगाई प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लेकर प्रदेश सरकार की नरवा गरवा गुरु हमारी योजनाओं को भी किया गया शामिल। एनएसएस से जुड़े इंजीनियरिंग छात्रों ने ऐसा रोबोट बनाया जो बम को कर सकता है डिफ्यूज। बेमित्रा में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर, दो लोगों की हुई मौत। ट्रक पलटने से 10 लोग हुए घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर, करही गांव के पास की है घटना। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अवन त्रिपाठी को किया गया निलंबित, काउंसिल के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार करने का लगा आरोप। 3 महीने तक अवन त्रिपाठी पूरे देश भर में नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। 30 सितंबर से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य, वरना पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का नियम 1 सितंबर से हो चुका है लागू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया बड़ा फैसला, 3 आईपीएस अफसरों की पदोन्नति को किया निरस्त। आचार संहिता लागू होने से पहले ही 3 अफसरों को एडीजी से डीजी पद पर कर दिया गया था प्रमोट।